किसी भी टीम के पास कोई बढ़त नहीं। 0-0 के घेरे पर दोनों टीम मौजूद। स्ट्रगल करते हुए पहली गोल के लिए अच्छी गेंद, लेकिन फैला भाई शानदार तरीके से डिफेंडर महोदय की। काफी लाजवाब मैच है अजय, लेकिन गोल आते तो मजा आ जाता। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जो ग्रस्ता है वो ग्रस्ता नहीं है, इतनी उनकी बात ही यहाँ पे इतनी सुगंध आती है उसका गुलाबों की। कहते हैं जब तक गुलू की बरसात ना हो तब तक खिलाड़ी वो वही खिलाड़ी होता है। कहते यहाँ पे देखने की बात है, एक बेहतरीन में आप सेंटर पॉइंट के समय से फ्री किक का मौका मिलेगी इस वक्त। देखने वाली बात है, छोटी सी बात के साथ तरकीब अपनाते हुए एक खिलाड़ी को फिट करने का प्रयास के जरिए अच्छे अच्छे शॉट, लेकिन थोड़ी सी अपना होता हुआ यहाँ पे अपने आप को कप्तान को अफसोस करना होगा। बेहतरीन इस वक्त अच्छी स्कोर बनाने की क्षमता उसके पास नहीं रही। बिल्कुल दोनों ही टीम मध्यांतर के बाद है, बिल्कुल शून्य शून्य के बराबरी पर। कहते हैं जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं वो जिन्हें खेल से हो जाता है, रिकॉर्ड वही बनाते हैं जिन्हें ये खेल से हो जाता है, और हार को भी जीत में बदल देता है उसी बाजीगर। कहते हैं यहाँ पे देखना होगा कौन बाजीगर भाई, देखना होगा। लेकिन यहाँ पे लगता है संतुष्ट होना होगा, लगभग समाप्ति कगार पे दोनों शून्य शून्य के बराबरी पर। बेहतरीन इस वक्त अपना साथी खिलाड़ी को फिर से तलाशने का प्रयास इस वक्त है ढाकर एफसी, अपना एक धाकड़ का जमाने का प्रयास है, लेकिन अपने ही इस वक्त पार पार का प्रयास में लेफ्ट फुट से गेंद को शूट करने का प्रयास है, लेकिन यहाँ का शॉट के जरिए लेकिन इस वक्त कोई आक्रमण बने नहीं पाए और इस वक्त पुनः अपना कब्जा में लेता हुआ। इस वक्त चार खिलाड़ी पांच खिलाड़ी मौजूद है और अपनी एक खिलाड़ी पूरी तरह जीतने के पूरी मुस्तैद है और इस वक्त गलत का अच्छा बनाने के प्रयास है। लंबा शॉट इस वक्त तेज गति गेंद के पीछे 180 किलोमीटर की रफ्तार से देखना होगा। आज इस वक्त अपना ढाकड़े एफसी लगता अपना साथी किलोमीटर आने का प्रयास, लंबा कद के खिलाड़ी पैटर्न इस वक्त चकमा देने का प्रयास, लेकिन नतीजा यहाँ पे घुसा रहा कि खिलाड़ी अगर कहीं ना कहीं मुसीबत में होते हैं तो गेंद को आउटलाइन के बाहर में ही मुनासिब समझते हैं, तो इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे, खिलाड़ी का कोई ना कोई कमजोरी हो सकता है। बिल्कुल लगा है काफी पहले नजर के साथ मैं अभी इस मैच को देख रहा हूँ और कमी और खामियां ये साफ तौर पर बताती रही